मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता और आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो है और बहुत ही बेसिक नीड है हमारी हम सब की स्किन के लिए। तो गाइज आप सबको पता है कि सबसे बेसिक जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप होता है हमारे स्किन केयर का वो होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग एक सबसे बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो कि लोग मिस कर देते हैं, जो कि प्रॉपर यूज़ नहीं करते चीज़ें और प्रॉपर उसको फॉलो नहीं करते, इसके कारण बाकी जो स्टेप्स होते हैं उनका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। आप बहुत अच्छे सीरम्स लगा लो, आप बहुत अच्छे अच्छे क्रीम्स लगा लो, नाइट क्रीम्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे स्किन की बहुत अच्छे से तो सारे स्टेप के इफेक्ट बहुत स्लो हो जाएंगे, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन सीरम्स का और क्रीम्स का होगा नहीं अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। तो क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम बाहर धूप में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, हमारी जो स्किन में रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, स्किन में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे हमें स्किन ब्रीथ भी करती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो पोर्स है, जब हम बाहर धूप में जाते हैं या गर्मी में जाते हैं या हम बाहर पॉल्यूशन में जाते हैं या एक कभी बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जो इतना पॉल्यूशन होता है, डर्ट होता है, वो ग्रीस जो हमारे सीबम भी प्रोड्यूस होता है और जब सीबम एक ऑयली स्ट्रक्चर होता है जो कि जितने भी डर्ट है तो उसको चिपका लेता है। तो जब हम बाहर धूप में जाते हैं, काम करने जाते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं तो वो पूरी स्किन की लेयर में चिपक जाती है। अभी क्या होता है, पोर्स में भी वो फिल हो जाती है। जब पोर्स में फिल हो जाती है वहाँ पे भी एक नए बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, उनको और ज़्यादा अच्छे से मतलब एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है ग्रोथ का, जिसके कारण हमें एक्ने होने लगते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं और चेहरा डल दिखेगा, गंदा दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा टैनिंग सी डार्कनेस दिखने लगेगी, क्योंकि यह धूल मिट्टी की एक मोटी सी परत आपकी स्किन में चिपक गई है। और जब आप कोई भी साबुन या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो आपको क्लीन करता है, बट एक सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि कौन सा फेस वॉश हमें यूज़ करना चाहिए जो हमारे हर कंडीशन में हमें हर स्किन को हेल्प करे। तो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल रही है एक बहुत अच्छा फेस वॉश आपके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो मार्स बाय GSC का फेस वॉश है। इसकी खासियत क्या है, देखो फेस वॉश क्या होता है, वो हमारी स्किन के पीएच को, सबसे जो इंपॉर्टेंट फेस वॉश का काम जो होता है ना, वो हमारी स्किन के जो पीएच होता है उसको बैलेंस करना होता है। क्योंकि जब हम फेस वॉश, कोई भी साबुन या फेस वॉश यूज़ करते हैं, वो अल्कलाइन अगर है तो वो आपके स्किन के पीएच को डिसबैलेंस कर देगा, इसके कारण अगर आपका पीएच, हमारी स्किन का पीएच है 5.3 to 5.5 और जो अल्कलाइन जो होते हैं फेस वॉश होते हैं, साबुन होते हैं, वो 6 to 7 पीएच होते हैं। अभी क्या करते हैं, जब वो चीज़ यूज़ करते हैं तो वो स्किन के पीएच को बिगाड़ देते हैं, इसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन रखे और साथ ही साथ क्लीन करें। अभी गलती उनकी नहीं होती, क्योंकि जब तक अल्कलाइन नहीं होगा वहाँ पर सबुनिफिकेशन नहीं होगा, सोप का लेदर नहीं बनेगा, वो रिमूव नहीं होगा, तो इनकी गलती नहीं होती है, वो उसका काम ही वैसा है। बट ऐसा फेस वॉश हम यूज़ करें, क्लींजर यूज़ करें जिसका पीएच लेवल भी मेंटेन रहे और जो हम स्किन के पीएच को मेंटेन रखें और हमारे स्किन को क्लीन भी करें और साथ ही साथ जो स्किन की बेसिक दिक्कतें होती हैं उनको भी फाइट करें, लाइक एक्ने को फाइट करें। हमारी फेस वॉश यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, वो ड्राइनेस को ना होने दे, ऐसा फेस वॉश होना चाहिए जो स्किन की ड्राइनेस को ना होने दे, स्किन के ऑयल सेक्रेशन को कंट्रोल करे, जो स्किन के बैक्टीरिया, जो पी एक्ने बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करे, एक्ने ना होने दे और स्किन को स्मूथ और ड्राई होने से बचाए। तो मैं आपके पास जो लेके आया मार्स बाय GSC का फेस वॉश, ये सारे काम ये फेस वॉश करता है। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट स्किन को स्मूथनेस और हाइड्रेट रखता है, टी ट्री ऑयल है विच इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट जो एक्ने बैक्टीरिया से भी फाइट करता है, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट स्किन को हेल्दी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, लेमन एक्सट्रैक्ट स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, रोज ऑयल है, इतने बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो रोज ऑयल होता है वो एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है स्किन से, स्किन को स्मूथ बना देगा और जो भी बेसिक इसमें जो दिक्कतें होती हैं हमारी स्किन में वो सबको होने से रोकेगा। और ये बहुत ही प्यारा क्यूट सी बॉटल होती है, इतनी प्यारी सी क्यूट सी बॉटल पे ब्रश होता है जो आपको ऐसे लगा के रब करना है। मैं आपको बता भी देता हूँ तरीका इसको, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टेप जो है क्लीन करने का, आपको अच्छे से पहले पूरे फेस को गीला करना है, गीला करने के बाद इसका पुश करना है और इसमें से ये आ जाएगा फेस वॉश। इसको स्किन पे ऐसे लगा के आपको सर्कुलर डायरेक्शन में रब करना है। आपने देखा खीरे को हम जब ऐसे रब करते हैं सर्कुलर डायरेक्शन में तो वो आपके वहाँ से उसमें से जहर निकलता है, विष निकलता है, कड़वापन निकलता है। जब आप सर्कुलर डायरेक्शन में कोई भी रब करते हो वैक्यूम क्रिएट होता है जो उसके डर्ट को और ग्रीस को सबको रिमूव करता है। तो इसको आपको फेस को अच्छे से गीला करके इसको इस तरीके से इसको ब्रश से आपके फेस को पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में क्लीन करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से क्लीन कर लें, अच्छे से क्लीन करके उसको आपको धोना है, ठंडे पानी से धोएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपके पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, टाइट होकर क्लोज रहेंगे तो ओपन पोर्स की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और आपके पोर्स भी टाइट रहेंगे। ऐसा करने के बाद तो प्यारा सा है ना, मतलब ऐसा फेस वॉश तो ब्रश भी है और
ब्रश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट है गाइस। इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फेस वॉश का। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, बहुत फैंसी फैंसी होते हैं बॉटल्स, फैंसी फेस वॉश लुक डब्बा, उनका पैकिंग बहुत फैंसी होती है, बट उनके इंग्रेडिएंट उतने इंपॉर्ट अच्छे नहीं होते जो हमारे स्किन के लिए हेल्थी रहे। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट वो बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छे हैं जो कि सारी दिक्कतें खत्म कर देंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि सर कोई ऐसा फेस वॉश बता दो डॉक्टर जो सारी दिक्कतें खत्म कर दे। मतलब फेस वॉश एक बहुत बड़ा लोगों कन्फ्यूजन वाला चीज़ रहती है, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, वो दिन भर इधर उधर कभी इधर कभी उधर कोई ना कोई फेस वॉश यूज़ करते। तो गाइस प्लीज़ मेरी सलाह माने तो ये वाला फेस वॉश यूज़ करके जरूर देखिए, बहुत अच्छा है, आपकी सारी बेसिक कंडीशंस को कंप्लीट ये केयर करेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 500 रुपीज़ का ही आता है और इसको बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पर मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपको पसंद आए ज़रूर लीजिएगा। और आई थिंक एक बार तो इसको यूज़ करके देखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं और आपके स्किन से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। और मार्स बाय जेसी जो एक कंपनी है बहुत ही अच्छी इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रही है और इसके मैं और भी वीडियोज़ बना चुका हूँ प्रोडक्ट के ऊपर, बट मुझे सच में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है कि अंदर से लगता है कि नहीं यार इनको प्रमोट करके बताना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ है जो मार्केट में अब अवेलेबल है। तो गाइस प्लीज़ इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको, आपके अपने बैक्टीरिया और इन सब में वर्क हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रेट हुई कि नहीं स्किन। और मेरे आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे वेट करूँगा और इसको तब तक यूज़ करूँगा। बाय।